तो दोस्तों अब हम पहुंच गए हैं बासुकीनाथ। कहते हैं कि अगर बैजनाथ धाम आए, देवघर आए, तो बासुकीनाथ अगर न आए तो यात्रा ये जो है धार्मिक यात्रा ये अधूरी मानी जाती है। तो बासुकीनाथ के मंदिर में हम पहुंच चुके हैं, यहाँ पर पूजा अर्चना चल रही है, यहाँ पर भी हजारों की संख्या में भक्त आ रहे हैं और भगवान शिव को जलाभिषेक कर रहे हैं। यहाँ से सीधी तस्वीरें मैं आपको दिखा रहा हूँ। और सबसे बड़ी बात यह है कि फिलहाल इस इलाके में, चाहे हम देवघर कहें, चाहे भागलपुर कहें, चाहे आपका दुमका कहें, पूरे इलाके में रिमझिम रिमझिम बारिश हो रही है। इससे मौसम जो है सुहाना और थोड़ा ठंड वाला हो गया है। तो फिलहाल सीधी तस्वीरें देखिए, हम आपको दिखा रहे हैं बासुकीनाथ मंदिर से। आप अपने स्क्रीन पर देख रहे होंगे बाबा बासुकीनाथ जी का ये मंदिर, और साथ ही श्रद्धालु मैं आपको दिखा दूं। देखिए यहाँ पर बड़ी संख्या में श्रद्धालु लोग आए हुए हैं। और यहाँ देखिए विशेष पूजा अनुष्ठान जो है यहाँ के जो पंडे हैं, जो पुरोहित हैं, उनके द्वारा करवाया जा रहा है वैदिक मंत्रोच्चार के बीच है। और यहाँ देखिए आप ये देख रहे होंगे भगवान शिव और पार्वती का ये मंदिर बासुकीनाथ से। ऐसी तस्वीरें जो भी लोग जब सावन के महीने में यहाँ पर आप लोग आते हैं तो आपको दर्शन होते हैं बाबा बासुकीनाथ के। आइए बाबा जी। तो आइए, हमारे साथ हैं बाबा जी, यहाँ के पंडा हैं, और यहाँ पर वो मायावी बाबा के नाम से प्रसिद्ध हैं, सभी मायावी बाबा के नाम से जानते हैं। और बाबा जी जो यहाँ के पंडा भी हैं और साथ ही सोशल मीडिया में भी काफ़ी सक्रिय रहते हैं, आप लोग चाहे तो उनको सर्च कर सकते हैं मायावी बाबा के रूप में। तो इनसे ही हम जानकारी लेते हैं पूरी कि क्या महत्व है यहाँ बासुकीनाथ धाम का। नमस्कार पंडित जी, क्या क्या महत्व है इस बासुकीनाथ? इनको भक्तों का कामना लिंग बोला जाता है, भक्तों का कामना लिंग है ये। इनको सुप्रीम कोर्ट का दर्जा दिया गया है। अच्छा, देवघर हाई कोर्ट का दर्जा दिया गया है। अच्छा, देवघर हाई कोर्ट ये सुप्रीम कोर्ट? ये सुप्रीम कोर्ट है, वहाँ पे अर्जी होती है और यहाँ फैसला होता है। अच्छा, या तुरंत फैसला होता है। यानी ये जो बात कही जाती है कि जब तक आप, अगर आप देवघर आए हैं और अगर आप यहाँ नहीं आते हैं तो यह यात्रा अधूरी मानी जाती है। अधूरी मानी जाती है, वहाँ आए तो यहाँ आना जरूरी है, पूर्ण होगी, ये पूरी होगी। ये बारह ज्योतिर्लिंग उपलिंग है। अच्छा, इनको सबके बड़े भाई माना जाता है। अच्छा, ये बारह ज्योतिर्लिंग सबके बड़े भाई है। क्या कथा प्रचलित है बासुकीनाथ धाम को लेकर? बासुकीनाथ तो ये तो पहले खेती होती थी। हाँ, हाँ। तो जंगल ही था पहले, जंगल पहले। हाँ। था तो बासु जो है तो आम इंसान था, आम इंसान आदमी जैसा वो था। वो यहाँ पे खेती करते थे, खेती करते करते बाबा को अंदर में भल कोई चीज से लग गया, हावड़ा से या खावड़ा से किसी चीज से हल्की नोक से लग गई। उनसे वहाँ पे कुछ उत्पन्न हुए, कुछ उत्पन्न हुए तो वो पहले जमाने के लोग डरपोक क्या बहुत शांत स्वभाव के रहते थे, वो डर से चले गए। फिर बाबा उनको सपना दिए कि मेरी पूजा तुम करो, तुम्हारा नाम आगे रहेगा, मेरा नाम पीछे रहेगा। इनकी यही कहानी है, समुद्र मंथन इन्हीं के रख के ऊपर किया गया। बासुकीनाथ बाबा के अनन्य भक्त थे, अनन्य भक्त थे। और उन्होंने कहा जैसे देवघर में बेजू, जैसे देवघर में बेजू वैसे यहाँ पे बासु। ये कामना लिंग इनको दर्जा किया। ये सेम समुद्र मंथन वाला, समुद्र मंथन के बाद ये जो पर्वत देख रहे हैं वो मंदार पर्वत है, एक तरफ देवता है एक तरफ राक्षस है। आई बाबा का कहानी है, ये जो नाग आप देख रहे हैं, ये जो नाग आप देख रहे हैं वही बाबा बासुकीनाथ हैं। एक तरफ दानव है एक तरफ राक्षस है, एक तरफ देवता है एक तरफ दानव है। आई बाबा का समुद्र मंथन हो रहा है पर्वत का, मंदार पर्वत जो जान रहे हैं आप, यहाँ से कुछ दूर में मंदार पर्वत स्थित है। और जो ये जो नाग देख रहे हैं वो मंदार पर्वत के बगल में ही है, बगल में ही है। यहाँ पर नाग स्वरूप में शिव जी विराजमान है बाबा बासुकीनाथ। नाग बासुकी भी कहा जाता है। शिवलिंग की क्या विशेषता है? कहते हैं कि अभी भी चोट का निशान है शिवलिंग पर। अभी भी तो है ही, लेकिन लेकिन कोई जान नहीं सकता, कोई मेंटेनेंस वो होते रहता है, वो जान नहीं सकते। तो बाबा जी क्या वर्ष भर इसी तरह से यहाँ पर भीड़ रहती है? सावन में तो बहुत ज्यादा भीड़ होती है। सावन में काफी भीड़ रहती है क्योंकि वो यहाँ पे छूने की परंपरा है, यहाँ पे छूने की। देवघर में महीना भर जो है कि वो चोंगा लगा दिया जाता है,
यहाँ पे अभी जो कि सरकार इस पर साफ कर सकते हैं, दो दिन छोड़ के सोमवार मंगलवार छोड़ के। तो देखिए एक अच्छी बात है कि ये जो आप बासुकीनाथ धाम जो है ये ज्योतिर्लिंग का उपलिंग है, और इन्होंने बताया कि जितने 12 ज्योतिर्लिंग है उनके ये बड़े भाई है गुरु है उनके के कामना लिंग है, भक्तों के कामना लिंग। अगर आपकी कोई कामना है तो आप बासुकीनाथ आके इन कामना को पूरा कर सकते हैं। और हमारे जो मायावी बाबा है उन्होंने बहुत महत्वपूर्ण जानकारी दी। आपका भी चैनल कौन सा? एच जी न्यूज है, दिवाकर प्रधान, डीके प्रधान के सिलीगुड़ी का ही चैनल है वो। अच्छा, मैं उसमें इन्वॉल्व हूँ। अच्छा, तो बहुत खुशी की बात है। और यहाँ तो फिर आपको दिखाता हूँ चलिए कि किस तरह से लोग यहाँ पर पूजा अर्चना कर रहे हैं। बोल बाम, बोल बाम। तो ये देख लीजिए उमेश मिश्रा जी जो कैमरे पर अस्थायी रूप से इस पूरे दौरे पर मेरा साथ दे रहे हैं, और यहाँ भक्त लोग, और साथ ही अब यहाँ की तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, देखें बाबा बासुकीनाथ की। मंदिर प्रांगण में भी यहाँ पर देख सकते हैं गायें हैं, और ये देख लीजिए बाबा बासुकीनाथ का भव्य मंदिर। तो देख लीजिए यहाँ पर लोग नए नव दंपत्ति भी आते हैं जो यहाँ पर बाबा की पूजा अर्चना करते हैं। बुला रहेगा पकड़े बात करते हैं से। बात करेंगे आपसे। तो देखिए बाबा के दरबार में सभी यहाँ पर आते हैं नतमस्तक होने के लिए। नया जोड़ा शायद लग रहा है आप लोग का, नया जोड़ा है? हाँ नया जोड़ा है। शादी के जस्ट यहाँ आप पहुँचे आशीर्वाद लेने के लिए। छोड़ दी। तो ये नया जोड़ा है जो बात करने से आप तो कर ही सकते हैं। आप कर सकते हैं। कहाँ से सर आप? कहाँ से? हम आए हैं बराड़वा का से। माना जाता है कि मनोकामना यहाँ पूर्ण होती है। हाँ, मनोकामना यहाँ पे पूर्ण होती है, जो इच्छा लेके आता है वो पूर्ण हो जाता है यहाँ पे। तो आप अक्सर यहाँ पर आते रहे होंगे, मेरे ख्याल से पहले भी आए होंगे, फर्स्ट टाइम आए हैं? बहुत दिन पहले आए हुए थे। अच्छा लग रहा होगा आपको। हाँ, बैजनाथ धाम गए कि नहीं? वहाँ से देवघर से यहाँ आए। देवघर से यहाँ। थैंक यू सर, थैंक यू। तो देखिए ये बैजनाथ धाम से गए थे, वहीं से आए हैं, नव दंपति है और यहाँ आशीर्वाद लेने के लिए आए हैं। और ये इसी तरह के यहाँ बहुत से जोड़े यहाँ पर आए हुए हैं, लोग आते हैं यहाँ पर मनोकामना के, विभिन्न तरह की मनोकामनाएं हैं। कहा जाता है कि यहाँ पर आने से बाबा बासुकीनाथ जो है वो मनोकामना पूर्ण करते हैं, और जब तक जो भी भक्त देवघर आते हैं यहाँ आके मत्था न टेके तो उनकी ये जो यात्रा है वो अधूरी मानी जाती है। तो मिलेंगे कुछ देर के बाद ही, कुछ नई जगह से आपको दिखाएंगे नई चीज। तब तक आप बने रहे खबर समय पर और देखते रहे खबर समय, हर समय खबर समय। धन्यवाद। हमारा तो पता है, लिए गमछा।